हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है बिज एकेडमी के अंदर। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन की मदद से सर्वे हार्ट का फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे आप सर्च कर सकते हो सर्वे हार्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने सर्वे सर्च किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो सर्वे हार्ट का ये वाला सबसे ऊपर जो है, अब ये वाला, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। आपको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसको जस्ट ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। पहले आपको इसके अंदर अपना अकाउंट बना लेना है। सिंपल सा प्रोसेस होता है, अपना ईमेल पासवर्ड लिख दो, उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे काम करता है। अभी आप देखोगे ये मेरा एक ना फॉर्म बना हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसा फॉर्म है मेरा और कितने रिस्पॉन्स आ रखे हैं मेरे को। तो आप देखोगे ये फॉर्म के अंदर मेरे को 1382 रिस्पॉन्स आ रखे हैं, मतलब इतने लोगों ने ये फॉर्म मेरा फिल किया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, तो व्यू रिस्पॉन्स पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे इतने सारे मेरे पास लीड्स आई हुई हैं जिनने अपने डिटेल सबमिट किए हैं। आप देख सकते हो इसका नाम, एज, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका प्रोफेशन वगैरह वगैरह सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे बना सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम व्यू करें तो मेरा फॉर्म किस तरह से दिखता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ व्यू फॉर्म। तो जैसे व्यू फॉर्म में मैंने क्लिक किया, तो जैसे आपके फॉर्म के लिंक पे कोई भी क्लिक करता है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। मेक मनी ऑनलाइन यूजिंग योर स्मार्टफोन, फिल द फॉर्म इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस, आई विल कॉन्टैक्ट यू विद इन 24 आवर्स, और दिस इज़ नॉट MLM। ठीक है, इस तरह से मैंने इसका क्रिएशन कर दिया है। अब यहाँ पे फिल फॉर्म पे जैसे ही बंदा क्लिक करता है तो उसके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसको अपना नाम, उसकी एज, प्रोफेशन, मोबाइल नंबर, सिटी, ये सारी चीज़ें उसको सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद ये आंसर करेगा और सबमिट, नीचे सबमिट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेगा तो सबमिट कर देगा वो अपनी साइड से, और हमें यहाँ पर अपने आप अपने आप ही हमें नोटिफिकेशन आ जाएगी सर्वे हार्ट के एप्लीकेशन में। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्रिएट कैसे करोगे आप। क्रिएट करने का सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ पे प्लस के आइकन बना हुआ है, आप देख सकते हो, तो प्लस पे मेरे को क्लिक करना है नीचे। जैसे मैंने प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया फॉर्म और क्विज। तो आपको फॉर्म बनाना है तो फॉर्म पे मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आप थीम चूज़ कर सकते हो, कौन कौन सी थीम आपको लगानी है, बट मैं आपको कहता हूँ कोई सी भी थीम आप चूज़ कर लो। सपोज मैंने फर्स्ट वाली चूज़ कर ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर सबसे ऊपर है टाइटल, तो टाइटल के अंदर आप लिख सकते हो जो आपका पर्पस है, किस लिए आप लीड जनरेट करना चाहते हो। तो इसके अंदर मैं वही लिखता हूँ कि वॉन्ट टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे आप थोड़े इमोटिकॉन भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मोबाइल बना दिया मैंने, मोबाइल ऐड कर दिया इस तरह से। डिस्क्रिप्शन के लिए आप जैसे नीचे लिखा हुआ था ना कि डिस्क्रिप्शन में आई विल कॉन्टैक्ट यू विद इन 24 आवर्स, तो इस तरह से आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। तो मैं लिखूँगा, भी डेमो के लिए मैं डाल देता हूँ, क्लिक हेयर और क्लिक हेयर टू फिल द फॉर्म। अब मैंने इतना लिख दिया यहाँ पे, ये मेरा टाइटल रेडी हो गया, मेरा डिस्क्रिप्शन रेडी हो गया। अब मुझे नीचे का काम स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे ऊपर आ रहा है नेम, तो नेम का ऑप्शन आप रखना है, जो क्वेश्चन पूछना है आपको यहाँ पर डालना। इसको नेम को बदल भी सकते हो, ठीक है, नेम कुछ भी, एज भी डाल सकते हो इसके जाओ। तो मैं यहाँ पर नेम डाल देता हूँ, सिंपल सबसे पहला नाम नेम, ठीक है, या फिर आप इसी के अंदर लिख सकते हो नेम या फिर फुल नेम, या आपका हो गया फुल नेम। अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है ना। शॉर्ट आंसर का मतलब क्या होता है, शॉर्ट आंसर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ आपके सामने रिप्लाईज आ जाएंगे, कैसे कैसे वो अपने रिप्लाईज दे सकता है। जैसे शॉर्ट आंसर है तो वो शॉर्ट ही लिख पाएगा, इसके अंदर ज़्यादा बड़ा नहीं लिख पाएगा। लॉन्ग आंसर है तो लॉन्ग में वो बड़ा चीज़ें लिख सकता है, छोटी भी लिख सकता है। अगर मैं यहाँ पे ईमेल डाल दूँ तो वो सिर्फ अपना ईमेल ही डाल सकता है, और कुछ नहीं डाल सकता। अगर मैं नंबर लिख दूँ तो यहाँ पे जैसे वो इस पर क्लिक करेगा तो नंबर आ जाएंगे उसके सामने, वो कोई टेक्स्ट नहीं लिख पाएगा। फिर डेट टाइम इसी तरह आप कर सकते हो। तो शॉर्ट आंसर करना है मुझे इसके अंदर। आपके सामने कुछ ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड का मतलब होता है विदाउट इसको फिल करे वो सबमिट ही नहीं कर पाएगा फॉर्म, तो हमेशा इसको रिक्वायर्ड ही रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रेडी। अब आप देखोगे अब आपको क्या करना है, मैं बताता हूँ। फर्स्ट हमने हो गया फुल नेम, सेकेंड आप क्या कर सकते हो, सेकेंड नंबर पर है तो यहाँ पर तो सबसे पहले ईमेल को हटाओ, ईमेल की जगह आप लिखो इसमें, जैसे अपना हमने नाम डाल दिया, आप सेकेंड क्या बताएगा, अपनी एज, या फिर पूरी हम लिख सकते हैं व्हाट इज़ योर एज। अब यहाँ पे ईमेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे
तो यहाँ पे वही शॉर्ट लॉन्ग, तो यहाँ पर आपको डालना है नंबर। अब क्योंकि नंबर एज एज जो होती है नंबर में ही हमें बताया जाता है, तो रिक्वायर्ड पे ऑप्शन में क्लिक करना, ये तो रिक्वायर्ड हो जाएगा। ये दो चीज़ें हमने कर दी है। अब थर्ड मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर का ठीक है, और उसका आंसर में रिप्लाई में मोबाइल नंबर ही है, तो ये भी सही है। ये हो गई तीन चीज़। चौथा एड्रेस से हमें कोई काम नहीं है, ठीक है, एड्रेस आप हटा सकते हो यहाँ पर। यहाँ पे लिख सकते हो आप प्रोफेशन, प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे लॉन्ग आंसर की जगह यहाँ पे शॉर्ट आंसर कर देता हूँ, इस पर क्लिक करो, शॉर्ट आंसर कर दो और रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दो। तो ये हो गए चार रेडी। अब यहाँ पर आप डाल सकते हो पांचवा, जैसे आप कोई सी भी आईडी ले रहे हो उसकी, तो आप ये डाल सकते हो कि वॉट इज योर मंथली मंथली अर्निंग गोल, कि क्या उसका मंथली अर्निंग गोल है, और यहाँ पे शॉर्ट आंसर की जगह आप यहाँ पे भी नंबर डाल दो, इसको रिक्वायर्ड कर दो। ये पांच आंसर हो गए, पांच क्वेश्चन रेडी हो गए। छठा यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे आप देख सकते हो कि आपका फॉर्म किस तरह से दिखेगा। तो आप देख सकते हो वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, क्लिक हेयर टू फिल द फॉर्म। अब आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ गया। स्टार्ट सर्वे की जगह जैसे आप क्लिक करते हो तो ये इस तरह के आ जाएगा, और यहाँ पर जैसे ही वो अपनी पूरी डिटेल सबमिट करके यहाँ पे सबसे नीचे सबमिट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन थीम का, तो थीम पे जाना है। यहाँ पे थीम चूज़ कर सकते हो, तो मेरे पास ये सही लगता है मुझे हमेशा, तो मैं यही चूज़ करता हूँ। और जैसे थीम हमारी सेलेक्ट हो गई, तो यहाँ पे स्टार्ट सर्वे लिखा हुआ है, तो इसकी जगह यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करोगे, जैसे फोर्थ नंबर पे बॉटम में, तो यहाँ पे आप यहाँ पे सर्वे हार्ट लिखा हो ना, स्टार्ट सर्वे, इसकी जगह लिख सकते हो जॉइन नाउ, ठीक है, जॉइन नाउ पे आपने क्लिक कर दिया और इसको जॉइन नाउ बना दिया। आप प्रीव्यू करके देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है अब जॉइन नाउ। जॉइन नाउ पे जैसे क्लिक करेगा अपनी डिटेल सबमिट करेगा, तो ये सारी चीज़ें बन चुकी है, ठीक है। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीज़ें हमारी लग गई है इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है, ये लास्ट में सबसे लिखा हो ना सबमिट, सबमिट पे क्लिक कर दो। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे ये आपके पास लिंक आ जाएगा, आपके फॉर्म का लिंक। अब इसको यहाँ से कॉपी लिंक कर दो, ठीक है। अब ये जो लिंक होता है वो हर जगह आप पेस्ट कर सकते हो, लेकिन पेस्ट करने से पहले इसको शॉर्ट बना लो। शॉर्ट किससे बनेगा, बिटली से। गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे बिटली, BITLY, इस पर सर्च करोगे, फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने जो वहाँ से लिंक कॉपी किया है यहाँ से आप पेस्ट कर दो यहीं पे। तो ये पेस्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे शॉर्ट एंड लिखा हुआ, शॉर्ट एंड पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये बिटली उसको शॉर्ट करके दे देगा। तो आप देख सकते हो इतना शॉर्ट हो चुका है, यहाँ पे कॉपी कर लेना। अब आप देखोगे, अब आपको टेस्ट करना है तो आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करो, यहाँ पर आपको न्यू टैब ओपन करो, यहाँ पर वही पेस्ट कर दो, ठीक है। पेस्ट करोगे उसके बाद सर्च करके देखो कि वो सर्वे आर्ट का फॉर्म खुल रहा है आपका, देखो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। वॉन्ट टू मेक मनी ऑनलाइन, क्लिक हेयर टू फिल द फॉर्म, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करो, और यहाँ पर आप कुछ भी डाल दो, ठीक है, अपना नाम हो गया, आपकी एज हो गई। अब देखो एज पे जैसे क्लिक किया मैं, नंबर आ गया ना शो, तो 21 डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर भी कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। प्रोफेशन भी आप डाल सकते हो, जैसे स्टूडेंट, उसके बाद व्हाट इज़ अ मंथली अर्निंग गोल, सपोज 1 लाख रुपीज़ है, तो आप ऐसे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है, सबमिट हो गया ये। अब जैसे इसने सबमिट किया, आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ गए सर्वे हार्ट के थ्रू कि एक बंदे ने एक रिस्पांस दिया आपको, तो सर्वे हार्ट पे इस पर क्लिक करूँगा मैं, तो आप देखोगे इसने, जैसे अभी मैंने नाम कुछ भी डाल दिया, तो इसने सबमिट किया, और इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स की शो हो रही है आपको। तो इस तरह से आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये सर्वे हार्ट का जो लिंक होता है वो आप डिफरेंट प्लेसेस पे लगा सकते हो, जैसे अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, फेसबुक की प्रोफाइल पे, अपनी कोई सी प्रोफाइल है उसकी वेबसाइट लिंक पे भी आप लगा सकते हो, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आपको अच्छी लगती है ये वीडियो तो एक वैल्यूएबल कमेंट भी आप कर सकते हो। थैंक यू।